हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, हम प्रोबेबिलिटी से दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। गाइस, आज हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंडीशंस को लेकर, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना भी सीखेंगे। ओके गाइस, लेट्स सी। देखिए गाइस, आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि एक डाई है, इज अ रोल इट ई बी द इवेंट सॉज 4 एंड एफ बी द इवेंट सॉज इवन नंबर्स आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। गाइज, इस क्वेश्चन को हमें यदि सॉल्व करने के लिए हमें एक पॉइंट समझना है। तो उसने कहा कि एक डाई को उसने रोल किया है, रोल करने पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो उसका सैम्पल स्पेस गेट होगा गाइज, आई होप वो ये गेट होगा गाइज। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी गाइज। अब गाइज, उसने क्या कहा है, पहले पॉइंट समझते हैं। उसने क्या कहा गाइज, उसने कहा कि दो इवेंट है, एक ई और एक एफ। ई पर कहा जो उसने सोज होता है वो होता है 4, और जो उसने एफ पे कहा जो सोज होता है वो होता है गाइज इवन नंबर। ओके गाइज, तो गाइज एक बार एक बात बताइए मुझे, सोज 4, जब 4 गेट हो रहा है आपको डाई पर तो कितना है, 4 एलिमेंट आ गया। जब इवन नंबर गेट हो रहा है गाइस तो कितना गेट होगा इवन नंबर, यानी इट मींस 2, 4 एंड 6 इवन नंबर ही तो होता है गाइस। अब बात करता हूँ गाइस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को लेकर। गाइस, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है गाइस, वो पहले लेक्चर 1 देखे, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी प्रोबेबिलिटी को बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक की। तो गाइस पहले वहाँ समझेंगे, वहाँ पे मैंने आपको क्या बातें करी, आपसे मैंने वहाँ पे क्या बातें की थी गाइस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को लेके बातें की थी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है गाइस, कि कोई भी दो इवेंट है उन दो इवेंटों का इंटरसेक्शन यदि गाइस कितना गेट हो जाता है 5, तो आप उसे क्या कॉल करते हैं गाइस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी होंगी आपको, ठीक है ना। यानी जब जब दो इवेंटों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल हो जाता है तो उसे आप कॉल करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट गाइस। इसी के साथ साथ हमने वहाँ डिस्कस किया था आपसे गाइस एग्जॉस्टिव इवेंट को लेकर, जब किन्हीं भी इवेंटों का यूनियन क्या गेट हो जाए आपको एक सैम्पल स्पेस, तो हम वहाँ पे क्या कॉल करते हैं गाइस, एग्जॉस्टिव इवेंट को कॉल करते थे गाइस। आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगी होगी गाइस। तो यही केस है गाइस, मुझे क्या करना है इसमें ये बताना है, क्या दो इवेंट जो ई और एफ है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या। तो गाइस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। बताइए इंटरसेक्शन कितना आ गया, 4। 4 इंटरसेक्शन आ गया तो किसके इक्वल हो गया, 5 के। तो क्या इन दो इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 के इक्वल आई है, नहीं आई है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया गाइस, ये हो गया नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके गाइस, क्या हो गया, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट गाइस। आई होप ये बात क्लियर होगी होगी गाइस। तो इस तरीके से गाइस हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, आपसे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव पूछता है, करना कुछ नहीं है गाइस, डेफिनेशन को होल्ड करना है। तो गाइस आपके पास पूरी बुक में, जो आपके पास जब बच्चा ओके गाइस, जो एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज है गाइस, वो 16.2 में गाइस आपसे यही पूछा गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है और गाइस एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में गाइस। आई होप गाइस आप उस पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे गाइस, तो आई होप आपको बातें क्लियर हो जाएंगी गाइस। यदि किसी को गाइस कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी उस क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए, नहीं तो आप एक्सरसाइज डालकर मुझसे प्रॉब्लम्स वो पूछ लीजिए गाइस, मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द अपडेट कराऊंगा गाइस। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर गाइस। अब जो हम डिस्कस करने वाले गाइस वो है प्रोबेबिलिटी को लेकर गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी। देखिए गाइस, अब बात कर रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी को गाइस। जो प्रोबेबिलिटी के बारे में केसेस है, बस आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, बहुत ध्यान से समझने की बातों को गाइस। मेरे पास कोई भी इवेंट है ए, ई, ई बी एन कोई भी एक इवेंट है गाइस, ठीक है, और वो इस टाइप से है कि यदि मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोसेस क्या होगा गाइस, एन ई अपॉन एन एस गाइस, वही है फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
आउटकम्स गाइज, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, बस अब लिखने का पैटर्न चेंज हो गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई अपॉन एन एस। एन का मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी उस इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके लिखने हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके लिखने हैं। हमें एलिमेंटों को काउंट करके लिखने हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी इसकी गाइज, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया गाइज। अब समझते हैं गाइज एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ओके गाइज अब आपको बोर्ड पर दो क्वेश्चन शो हो रहे होंगे गाइज, इसमें हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गाइज। समझते हैं गाइज कैसे गेट करते हैं। देखिए उसने कहा एक कॉइन को टॉस किया गया केवल एक बार, बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब आपको हेड मिलता हो गाइज। ओके तो ध्यान से समझो गाइज क्या कहा उसने, कहा जब आपके पास एक कॉइन को टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस बना, कॉइन है केवल एक, उससे एक बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस गाइज हेड एंड टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट कितने इवेंट हो रहे, दो इवेंट, संख्या बता दो कितनी हो गई, एक दो, कितने आ गए टू। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने गेट हो गए इसमें, टू, यानी सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंटों की संख्या या एलिमेंटों की जो संख्या आ रही है वो गेट हो गई है टू गाइज। ओके उसके बाद बात करता हूँ गाइज जो इवेंट उसने मुझे दिया है वो क्या गए, गेटिंग अ हेड, आपको एक हेड गेट करना है। तो बताओ उस सैंपल स्पेस के अंदर से हेड जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ कितनी बार आएगा, एक ही तो बार आएगा एच। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इवेंट की टोटल संख्या कितनी होगी सेल इवेंट के अंदर, केवल एक, कितनी है केवल एक है, तो नंबर एन ई कितना हो गया इज इक्वल टू वन। तो गाइस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फॉर्मूला कितना होगा गाइस एन ई अपॉन एन एस। इवेंट क्या था, हेड आने की प्रायोरिटी, संख्या कितनी होगी टोटल एक तो वन, सैंपल स्पेस कितने थे एक कॉइन को टॉस किया था, हेड और टेल आए थे उसकी संख्या कितनी है टोटल टू, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हेड होने की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन टू। गाइज वही प्रोसेस है पुराने वाला, बस आपको ये ध्यान रखना थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड मटेरियल में आ गया एन ई अपॉन एन एस करके लिखने लगे, बस इतना चेंजेस हुआ गाइज और कोई चेंजेस नहीं है। ओके गाइज आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, वही है गाइज फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स गाइज। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी गाइज। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ गाइज, देखिए क्या लिखा है गाइज, थ्री अनबायस कॉइन्स आर टॉस्ड, थ्री अनबायस कॉइन्स, ठीक है, अनबायस कॉइन का मतलब हेड टेल आने वाले, जिसमें हेड भी आता हो टेल भी आता हो, ठीक है ना। तो गाइज देखिए जब मैं थ्री अनबायस कॉइन के बारे में पॉसिबल आउटकम्स निकालता हूँ, वही जब आप एक कॉइन पहली कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड या टेल आएगा, फिर दोबारा टॉस करोगे तो क्या आएगा हेड या टेल आएगा, या हेड या टेल आएगा, तीसरा केस या तो इस पर हेड टेल, या इस पर केस हेड टेल, या इस पर केस हेड टेल, या इस पर केस हेड टेल। ये मैं पूरा डिस्कस पहले वाले लेक्चर में आपसे कर चुका हूँ गाइस, ठीक है। तो अब मैं इसमें सैंपल स्पेस बताऊँगा आपको क्या बनना है, क्या बनेगा गाइस सैंपल स्पेस बताइए, हेड के साथ हेड 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 आ सकता है गाइस, या हेड 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 टेल आ सकता है गाइस। ओके यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रही होगी गाइज, कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक भाई, आपके पास क्या गेट हो सकता है, हेड 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 गैस गेट हो सकता था, या हेड हेड टेल गेट हो सकता था। अब क्या होगा गाइज, आपके पास जो गेट गेट होगा गाइज ये हो सकता है हेड टेल हेड गेट हो सकता है, या हेड टेल टेल गेट हो सकता है गाइज, या गाइज आपको गेट हो सकता है टेल हेड हेड, या गाइज टेल हेड टेल, या गाइज टेल टेल हेड, या गाइज टेल टेल टेल, ये गाइज आपको सैंपल स्पेस गेट हो गए। तो टोटल संख्या कितनी आ गई सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंटों की, एट, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया एट हो गया गाइज। ओके अब मुझसे पहला पॉइंट पूछा गया है, फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया गाइज, ऑल हेड्स, यानी जो इवेंट ई वन उसमें पूछा गया गेटिंग करना है तुम्हें ऑल हेड्स, जिसमें सभी के सभी क्या आ रहे हो हेड्स आ रहे हो, यानी तीनों हेड हो, तो तीनों हेड कितने ये लिखे हुए, यानी एच H H ये वाला पार्ट, तो इसके अंदर कितनी संख्या हो गई, ये केवल एक, पूरी की पूरी एक संख्या हो गई, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी गेट होगी गाइज वन अपॉन एट। क्लियर होगी होगी गाइज यहां तक बातें। बात करता हूं गाइज नंबर टू पॉइंट की, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है गाइज आपको, सेकंड पॉइंट समझते हैं गाइज, टू हेड्स जिसमें केवल दो हेड आ रहे हो वो देख लीजिए कौन है, यानी इवेंट E2 आपसे पूछा गया है, इवेंट E2 में जिसमें दो हेड आ रहे हो, एक ये रहा
एक ये रहा आपके पास, तो तीन कंडीशंस आ रही है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। तो यार संख्या कितनी होगी इस इवेंट की, E2 की? आई होप गाइज 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी गेट होगी इस गाइज इसकी, 3/8 गाइज। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होगी गाइज आपको, ओके गाइज। बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हो सकते हैं, 2 एंड 3। तो एटलीस्ट वन हेड के केस में गाइज समझते हैं क्या कह रहा है गाइज थर्ड पॉइंट आपको, जो E3 इवेंट है उसमें एटलीस्ट वन हेड के बारे में बात करें, कम से कम एक हेड, ज़्यादा ज़्यादा कितने हेड हो सकते हैं, 2 भी और 3 भी गाइज। तो देखिए गाइज क्या क्या बनेगा आपके पास, 3 हेड बन सकते हैं, ये रहे हेड हेड हेड, 2 हेड भी हो सकते हैं, यानी कौन कौन सा हो गया, हेड हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, और एक हेड भी हो सकता है गाइज, कौन कौन सा हो गया, टेल हेड टेल 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 हेड, ये हो सकता है गाइज। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और भी देखिए गाइज, और भी हो सकता है क्या जिसमें केवल एक हेड है, एक हेड ये भी है गाइज, हेड टेल टेल, एटलीस्ट वन हेड तो चाहिए था, कम से कम एक, ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी आ गई है, 7। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने गेट हो गए आपके पास इसमें, 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गेट होगी गाइज आपको, 7/8 गाइज। क्लियर होगी होगी गाइज ये पॉइंट भी आपको। बात करते हैं एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड गाइज, कम से कम 2 हेड का मतलब क्या गाइज, यानी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, केस क्या क्या बनेगा गाइज, या तो हेड हेड आएगा गाइज आपके पास, या हेड हेड टेल आएगा गाइज, या गाइज आपके पास हेड टेल होगा गाइज, या टेल हेड हेड होगा। तो आई होप इसमें जो नंबर आ गए इवेंट के वो कितने हैं गाइज, इवेंट के 4 हो गए, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं इवेंट के अंदर, 4। तो गाइज इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गेट होगी गाइज आपके पास, 4/8। तो आई होप गाइज ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब हमने समझा कि हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना था, प्रोसेस गाइज वही था जो 10th क्लास में आपने समझी थी कहानी। तो गाइज उसी को लेके हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी शुरू की है गाइज, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हुआ, हम लोगों ने इसे NE/NS में लिखना स्टार्ट किया गाइज, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे हम PE लिखा करते हैं गाइज, बस ये ध्यान रखेंगे गाइज, ओके गाइज। NE क्या है, यानी उन एलिमेंट इवेंटों के अंदर एलिमेंटों की संख्या, NS का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंटों की संख्याएं, तो वे लिखनी होती है यहाँ पे गाइज, ओके गाइज। आई होप ये बात पूरी क्लियर होगी गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इवन नंबर एज अ सम, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द वन डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। गाइस समझते हैं उसने क्या कहा आपको, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रोन किया जा रहा है। तो देखो गाइस सिंपल स्पेस क्या बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। गाइज एक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके गाइज तो ये आपने इसका पूरा का पूरा एक सैंपल स्पेस नोट कर दिया गाइज। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गाइज, आई होप 36 गाइज, ओके गाइज। अब गाइज उसने पहला पॉइंट क्या पूछा है, डबलेट, डबलेट का मीनिंग क्या होता है गाइज समझेंगे, आपको जो गेट करना है गाइज, जो गेट करना है गेटिंग आ डबलेट, डबलेट का मीनिंग होता है गाइज यानी दोनों डाई पर सेम सेम नंबर आ रहे हो, डबलेट का मीनिंग क्लियर हो गया, सेम सेम, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट होते हैं गाइज, ओके गाइज समझ में आ गए, पहले पे भी और दूसरी डाई पर दोनों पे क्या आ रहे हो, सेम नंबर आ रहे हो, उसे क्या कॉल करते हैं गाइज, डबलेट। तो यानी गाइज आपके पास कितना गेट हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ओके गाइज। तो नंबर कितने हो गए इसमें गाइज आपके पास, Anyone 1 2 3 4 5 6, कितना गेट, 6। तो गाइज मेरे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी गेट हो गई, 6/36, क्योंकि
इस इवेंट में नंबर कितने आए, 6, सैंपल स्पेस के नंबर कितने थे, 36, तो लिख दिया 6/36, कितना गेट हो गया गाइस, 1/6, क्लियर होगी गाइस यहाँ तक बातें। उसके बाद करता हूँ बात नेक्स्ट पॉइंट की, E2 की। E2 में गाइस क्या लिखा है उसने, an even number as the sum, जिनका सम क्या आ रहा हो, इवन नंबर आ रहा हो, सेलेक्ट कर लीजिए जिनका सम, जैसे 1 इवन आता है, उसके बाद 1 इवन आता है, 1 इवन आता है, ओके गाइस, इसी तरह से 2 इवन आता है गाइस, 2 इवन आता है गाइस, 2 इवन आता है गाइस, इसी टाइप से 3 गाइस, 3 गाइस, ठीक है, 3 गाइस, और भी है क्या गाइस, देखिए 4 गाइस, 4 6, ओके गाइस, और 5 1 5 3 5 5, एंड गाइस 6 2 6 4 6 6, तो टोटल गाइस कर लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उसने क्या कहा था, एज द सम, क्या जे, एन इवन नंबर एज द सम, जिनका सम क्या आ रहा हो गाइस, इवन नंबर आ रहा हो, तो टोटल आई होप कितना था आपके पास गाइस, 18 गेट होगा गाइस, ओके, तो आपके पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी गेट होगी गाइस कितनी होगी गाइस, 18/36, कितना गाइस, 1/2 गाइस, ओके, यहां तक बात क्लियर होगी होगी गाइस, अब आपको कहना क्या चाह रहा था गाइस। थर्ड केस क्या कह रहा है गाइस समझते हैं, थर्ड केस में गाइस ने लिखा अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, यानी आपको 3 के वे मल्टीपल चाहिए एज द सम, यानी जिन इन डाई पर जिनका मैं सम करूं वे 3 के मल्टीपल होने चाहिए, इस डाई पर जो मैं सम करूं गाइस वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए, देखते हैं गाइस कहाँ है 3 के मल्टीपल, देखिए गाइस जिनका सम करने पर 3 के मल्टीपल आते हो गाइस, बताओ गाइस कौन कौन से होते हैं इस डाई के अंदर, देख लीजिए जिनका मैं सम करूंगा गाइस 3 का मल्टीपल, जैसे 1 और 5 3 का मल्टीपल बन जाएगा गाइस, ठीक है, 2 1 3 का मल्टीपल बन जाएगा गाइस, ठीक है ना, 1 2 जो भी क्या बनता है 3 का मल्टीपल होता है गाइस, 2 4 3 का मल्टीपल है गाइस, ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए 3 3 3 का मल्टीपल है गाइस जिनका सम, ठीक है ना, सम देखते रहे ना सम, ठीक है, 3 6 इसका सम भी 3 का मल्टीपल है गाइस, 4 2 ओके गाइस, एंड 4 5 ओके गाइस, उसके बाद 5 4 उसके बाद गाइस 6 3 एंड 6 6, तो ये गाइस हो गए, तो देखिए टोटल कितना हो गया, एनी 3 की वैल्यू आपके पास गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया गाइस 11, तो प्रोबेबिलिटी 11/36 गाइस, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया हो गाइस, सेम एज इट इज गाइस बात करने वाले हम लोग, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई गाइस। गाइस एक बार E3 वाले केस को चेक कर लेते हैं, E3 वाले केस में आंसर गलत बता रहे हैं गाइस, E3 वाले केस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और भी हो सकता है गाइस, देखना जो 3 के मल्टीपल हो सकता है क्या, 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं गाइस, जिसमें 3 बन सकता हो भाई, 1 1 तो नहीं हो सकता, 1 2 था जो 3 का मल्टीपल बन सकता है सम करने पर, 1 5 था, 1 1 1 5 5 1 है क्या, देख लीजिए यहाँ पे 5 1 मिसिंग है गाइस, ठीक है ना, 5 1 ओके गाइस, तो यहाँ 5 1 मिसिंग था गाइस, इसको चेक कर लिया आपने, तो ये आ गया गाइस टोटल 12, तो 12/36 इट मीन्स गाइस 1/3 गाइस, ओके गाइस क्लियर है। अब बात करते गाइस हम लोग फोर्थ वाले पॉइंट की, फोर्थ वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझें गाइस, कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि डाई पर 2 का और 3 के मल्टीपल होने चाहिए, ये नहीं कहा उसने कि पहले वाला डाई का होना चाहिए दूसरे वाला 3 का, तो ये रेस्पेक्टिवली कुछ भी हो सकता है केस, ठीक है ना, ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है गाइस क्या कहना चाह रहा है, होने का मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई गाइस, ओके गाइस, तो उसने कहा गाइस कि डाई पर 2 का मल्टीपल और 3 के मल्टीपल चाहिए, चाहे शुरू में 2 का मल्टीपल आ जाए और 3 का मल्टीपल बाद में आ जाए, चाहे गाइस 3 का मल्टीपल शुरू में आ जाए 2 का मल्टीपल बाद में आ जाए, तो ये गाइस इसने ये समझाने की कोशिश की, तो इस तरीके से आप इसे फॉर्मेट करेंगे, शुरू में 2 का मल्टीपल आ जाए और बाद में 3 का मल्टीपल आ जाए, तो देख लो कौन सा होगा, शुरू में 2 का मल्टीपल हो बाद में 3 का मल्टीपल हो, ये रहा गाइस,
2-3 गाइस, ठीक है ना। इसी तरीके से और देख लीजिए गाइस क्या हो सकता है, जिसमें शुरू में 2 का मल्टीपल हो, बाद का 3 का मल्टीपल हो। 2-6, 3 का मल्टीपल होता है 6। ओके गाइस, 3-2, 3-3 नहीं हो सकता, 3-4 हो सकता है भाई, शुरू में 3 का आ गया बाद में 2 का आ गया, ये थोड़ी का तो उसने फिक्स कर दिया था, फिक्स नहीं किया था गाइस उसने, पॉइंट समझ में आ गया बात। 3-6 ये भी हो गया गाइस। ओके गाइस, और क्या हो सकता है गाइस, ये देखिए 4-3, ओके गाइस 4-6, ओके गाइस, और देखिए गाइस क्या हो सकता है आपके पास, 6-3, ठीक है 6-4, 6-6। तो टोटल इस तरह से गाइस इस इवेंट के आपके 4 गेट हो जाएंगे, टोटल 11, सॉरी कितने गेट हो जाएंगे गाइस, 11। तो जब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कितने हो जाएंगे गाइस, 11/36, दैट्स ऑल गाइस। ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है गाइस, ठीक है ना। तो टोटल आप देख लेना किस तरह से हमने अरेंज किया है यहाँ पे, भाई मल्टीपल उसने कहा 2 का होना चाहिए और 3 का मल्टीपल, ये नहीं फिक्स किया कि भाई नहीं मुझे पहले पे 2 चाहिए दूसरे पे 3, उसने कहा 2 और 3 के मल्टीपल चाहिए डाई पर। यहाँ पे तुम देखे एकदम कन्फ्यूज हो गए, भाई मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई, उन्होंने कहा 1 डाई, यानी ये नहीं कह रहा कि भाई पहली वाली डाई जो फर्स्ट डाई है 1 डाई का है, यानी कोई भी एक डाई पर 1 और 2 गेट कर लीजिए मल्टीपल और दूसरी वाली डाई पर 3 का मल्टीपल गेट कर लीजिए। आई होप अब बात क्लियर होगी होगी आपको गाइस। तो इस तरीके से कितना हो गया टोटल गाइस आपके पास, 11, तो 11/36 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ गाइस। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है आपके लिए गाइस, गाइस समझेंगे ये कार्ड वाला क्वेश्चन है गाइस, और आई होप मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ गाइस कार्ड को लेकर। गाइस देखिए कार्ड्स के बारे में मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस किया था गाइस, देखिए समझ लेते हैं। कार्ड्स मैंने कहा था गाइड्स जो टोटल कार्ड्स होते हैं वे 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 2 कलर होते हैं, ठीक है 26 में डिवाइड होते हैं 2 कलर, एक होता है गाइज आपके पास रेड कलर, एक होता है गाइज आपके पास ब्लैक कलर। ओके गाइज 26 में यानी इसके 4 सूट थे, एक सूट में आता है डायमंड गाइज और एक सूट में आता है आपके पास हर्ट। इस वाले ब्लैक में 26 वाले केसेस में एक होता है आपके पास स्पेड, एक होता था गाइज क्लब। ओके गाइज ये बेसिकली रफली बता रहा हूँ गाइज अब मैं आपको, ठीक है ना। डायमंड में 13 होते थे, हर्ट में भी 13, स्पेड में भी 13, क्लब में भी 13 गाइज। जो मैंने आपसे 13 कार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था गाइज, उसमें किया था मैंने गाइज आपसे पास किंग क्वीन जैक एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके गाइस ये गेट किया था आप लोगों ने, और इसमें मैंने बताया था गाइस जो एस होता है, एक एस भी था ठीक है ना। इसमें जो फेस कार्ड होता है गाइस, फेस कार्ड किसको बोलते हैं हम लोग, किंग क्वीन और जैक को। तो टोटल जो फेस कार्ड थे गाइस आपके पास वो कितने थे गाइस, 12, और जो एस थे टोटल कितने थे एस कार्ड गाइस, 4। तो ये थे कार्ड्स के बारे में गाइस टोटल बेसिक बातें जब मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट जब मैंने आपको फर्स्ट केस कराया था गाइस, ठीक है ना। ओके गाइस ये थे कार्ड्स के बारे में टोटल बेसिक बातें। ओके गाइस ये थी आपके पास बेसिक बातें जो मैं प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करा चुका था गाइस। आज जो हमारा क्वेश्चन है वही है बेटा। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो आपके पास सैंपल स्पेस होंगे उसमें नंबर्स कितने हैं कार्ड्स के लेकर, 52 कार्ड्स की संख्या होगी उसमें। ओके गाइस अब मुझे एक बात बताओ गाइस, पहला पॉइंट उसने जो मुझे लिखा हुआ है गाइस, वो लिखा हुआ है गाइस रेड एंड आ किंग, यानी उसने कहा जो किंग मुझे लेना है ना वो रेड कलर का लेना है। रेड एंड ए किंग का मीनिंग समझ में आ गया, रेड एंड ए किंग का मीनिंग, उसने कहा जो मुझे किंग लेना है वो कौन से कलर का लेना है, रेड कलर का लेना है, और रेड कलर में किंग, क्योंकि तुम्हें पता है गाइस टोटल जो फेस कार्ड होते थे 12 होते थे, और वो कैसे होते थे आपको पता है कि हर सूट में एक किंग एक क्वीन एक जैक होता है, और टोटल 4 सूट हुए उसके। तो इसका मतलब रेड कलर में 26 कार्ड्स हैं, और उस 26 कार्ड्स में गाइस किंग कितने होंगे, दो ही तो होंगे गाइस। आई होप क्लियर हो गई की बातें। तो गाइस रेड एंड आ किंग होने के लिए जो मेरे पास इवेंट दिया था उसने, ये फर्स्ट वाला केस जो इवन इवेंट था, मुझे जो गेट करना था गाइस वो गेट करना था गेटिंग रेड एंड आ
किंग, यानी जो मुझे किंग चाहिए वो रेड कलर का चाहिए, और रेड कलर के किंग कितने होते हैं गाइस? टू। तो नंबर कितने हो गए गाइस इसके? टू। सैंपल स्पेस कितना था? 52 का। प्रोबेबिलिटी कितनी गेट होगी गाइस? 2/52। इट मीन्स गाइस 1/26। इट मीन्स गाइस 1/26। ओके गाइस, अब बात करते हैं गाइस सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट कह रहा है आइदर अ रेड और ए किंग। जब भी आइदर और में क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा ध्यान रखना एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन होता है, समझना गाइस। यदि नेदर और नोर आ जाए तब क्या करेंगे उसका केस भी समझाऊंगा गाइस। पॉइंट समझो पहले, आइदर और के बारे में बात की, आइदर रेड और ए किंग, यानी गाइस जो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो गेट करना है कि गेटिंग आइदर गेटिंग रेड और ए किंग, यानी मुझे गाइस यानी गाइस जो मुझे फाइंड करना है ओके गाइस, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? उसने कहा गाइस आइदर रेड और एक किंग के बारे में बात कर रहा गाइस, मतलब दोनों आइदर रेड और किंग वाला, रेड भी चाहिए और किंग भी चाहिए। तो गाइस टोटल कितना हो गया आपके पास? देखिए रेड कलर कितने होते हैं आपके पास ये बताएं गाइस मुझे। कार्ड्स में रेड कलर होते हैं 26 और किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं 4, पर दो तो चले गए रेड कलर में। रेड कलर में दो किंग तो आ चुके, कौन कौन से? डायमंड एंड हर्ट का। अब बच गए किसके किंग? अब बच गए किंग आपके पास स्पेड एंड क्लब के, तो इसमें दो ऐड कर दीजिए, क्यों? आपसे किंग भी तो पूछे थे उसने भाई, आपसे रेड कलर के साथ साथ गाइस उसने आपसे किंग होने की भी कंडीशन पूछी थी। तो 26 तो रेड कलर, और इस रेड कलर के अंदर आपके पास दो किंग ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो कितने किंग रह गए गाइस? दो ही तो किंग बचे, प्लस 2, वो भी किसके? ब्लैक कलर के। तो टोटल कितना होगा गाइस? 28। तो गाइस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गेट होगी आपके पास? 28/52, दैट्स ऑल। इसकी प्रोबेबिलिटी गेट होगी गाइस हमारे पास। गाइस यदि आपसे पास, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बता रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझे, इसमें यदि नाइदर लगा देता तो क्या केस होता? इसी केस में नाइदर के बारे में बात करता। देखो गाइस, नाइदर रेड नॉर अ किंग, यानी इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना? इसकी क्या निकालनी मुझे? प्रोबेबिलिटी निकालनी। देखो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 26+2 कितना हो गया? 28, ठीक है ना? नए होने की पूछी, या तो मैं क्या कर दूं, एक में से इसे माइनस कर दूं, याद आ गई होगी कहानी मैंने क्या बताया था आपको, क्योंकि आपको पता है कि गाइज कि हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का सम गाइज 1 होता है, एम आई राइट? तो गाइज मुझे हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी उसने दे दी है, ठीक है ना? मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? नए होने की, यानी मुझे ना तो रेड चाहिए और ना ही किंग चाहिए, यानी जो मेरे पास कार्ड होने चाहिए वे कार्ड ना तो उसमें रेड कलर होना चाहिए ना ही उसमें किंग होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए? बाकी ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कंप्लीट। तो यानी मैं क्या कर दूं, होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं इसके, रेड और किंग के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं और उसे 1 में से माइनस कर दूं गाइस। किस में से माइनस कर दूं? 1 में से। तो 1-28/52, तो गाइस यहां से रिक्वायरमेंट निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग नाइदर वाले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में नाइदर लग के आ जाए तो इसका मीनिंग समझ लेना कि तुम्हें मना कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या? पहले होना चाहिए वो निकाल लो और उसे क्या कर दो? 1 में से माइनस कर दो, तो नए होने वाला केस निकल जाएगा गाइस। आई होप अब आपको क्लियर हो गई कहानी गाइस। तो गाइस ये थी प्रोबेबिलिटी के बारे में बातें गाइस। ओके गाइस, ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।